आज मैं आपको फिजिक्स के टॉप 5 सुपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको एयरफोर्स या डिफेंस के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 8 त्रिज्या की एक छोटी छोटी गोली श्यान में गिर रही है, उसका सीमांत वेग अनुपाती होता है। यदि आपको सीमांत वेग का सूत्र नहीं पता होगा तो आप शायद यह ना कर सकें, पर सीमांत वेग का ये सूत्र होता है, सीमांत वेग बाई टी वी टी बराबर हो जाएगा टू आर स्क्वायर सिग्मा में रो, रो हो जाएगा, ये आपका रो है रो जी हो जाएगा, और अपॉन में होता है आपका एन श्यानता होता है, या तो डेल्टा गुणांक भी से पढ़ सकते हो। तो आपका ये जो सीमांत वेग है किसके समानुपाती है, सीमांत वेग आपका किसके समानुपाती है, आर दिख रहा है, आर स्क्वायर के समानुपाती है, आर सीमांत वेग आर स्क्वायर के समानुपाती है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला दिया आर, दूसरा आर स्क्वायर दिया, तीसरा आर माइनस टू दिया, चौथा आर माइनस वन है, तो आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, श्यानता का एसआई मात्रा क्या होता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में श्यानता गुणांक की विमा बताई है, आप ज़रूर देखिएगा। अब आपका श्यानता गुणांक की विमा क्या होती है, एम एल माइनस वन होता है, टी माइनस वन होता है, श्यानता गुणांक श्यानता विमा भी यही होती है। आपका ये पिछले एग्जामों में आ चुका है एयरफोर्स नेवी में, तो आपको एम क्या ले सकते हैं, किलोग्राम ले सकते हैं, एल को क्या ले सकते हैं, आप एल को मीटर इन्वर्स ले सकते हैं, क्योंकि इन्वर्स का वन लिखा है माइनस वन, और यहाँ पे सेकंड इन्वर्स हो जाएगा, टाइम को सेकंड होता है, तो किलोग्राम मीटर इन्वर्स सेकंड इन्वर्स, ये आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वन। अब आपका नेक्स्ट दिया गया है एंड गेट का बुलियन व्यंजक बताइए, ए डॉट बी बराबर वाई, ए प्लस बी बराबर वाई, ए प्लस बी बार बराबर वाई दिया आपका इधर, या चौथा दिया ए डॉट बी का बार बराबर वाई, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ हो जाएगा राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे एंड के लिए होता है, ध्यान रखिएगा एंड के लिए आपका ये हो जाएगा। आपके लिए आपको सत्यता सारणी भी इसकी आनी चाहिए, और आपका इसका बुलियन व्यंजक भी पता होना चाहिए, सब नॉर गेट का, नंद गेट का, और गेट का, ये आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है, और आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा एंड गेट, आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे राइट है एंड के लिए होता है। पर आपका ये जो तीसरा ये दिया आपका, आपका ये दूसरा दिया है आपका ए, ए प्लस जो दिया गया है वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा और गेट के लिए, और गेट के लिए प्लस बी लग जाता है। अब तीसरा है आपका नॉर, ये नॉर गेट के लिए हो जाएगा ए प्लस बी बार बराबर वाई। अब आपका चौथा है नंद, नंद के लिए हो जाएगा आपका ये, अब ये एंड को उल्टा नंद होता है, या नंद को उल्टा एंड होकर पढ़ सकते हैं आप, तो नंद का हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ए डॉट बी बार बराबर वाई। अब मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ये आपका नंद का है, सॉरी दोस्तों, तो मैं आपको ये फिर से बता दे रहा हूँ, ये आपका एंड का हो जाएगा, ये आपका और का है, ये आपका नॉर का है, ये आपका नंद का है। अब आपका नेक्स्ट है आपका ये महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दिया है, 50 फेरों वाली एवं 0.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्र वाली तार, 0.5 मीटर स्क्वायर क्षेत्र वाली तार की एक कुंडली को 20 N - 2 न्यूटन बटे एम्पियर मीटर के समचुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली में संभावित चुंबकीय फ्लक्स होगा, यदि कुंडली का तल क्षेत्रफल लंबवत है। यदि आपका इसका सूत्र आपको नहीं आता होगा तो शायद आप ये क्वेश्चन न कर सकें, पर आप याद रखिएगा कि सूत्र होता है आपका, होता है सूत्र फाई बराबर एन बी ए कॉस थीटा, मैं आपको सब बताऊं कि यहाँ एन क्या रखना, आपका एन यहाँ फिर एक संख्या होती है 50 दिया गया, आपका बी क्या दिया, आपका बी दिया है 0.5 दिया गया, 0.5 दिया है आपका, और यहाँ पे आपका दिया गया ए, ए क्या है आपका, ए यहाँ पे देख रहे हैं आप, आपका यहाँ पे ए दिया गया है 20 N - 2 दिया गया आपका न्यूटन बटे एम्पियर मीटर है जो आपका, और ये सबसे मेन बात कॉस थीटा की वैल्यू, यहाँ थीटा क्या रखेंगे, यदि तल लंबवत होता है तो कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 0 रखते हैं, थीटा की वैल्यू हमेशा 0 रखते हैं, 50 गुणा फाई बराबर
50 का गुणा इसमें करेंगे तो 100 आएगा। 100 ये आपका 10^-2 लिखा है, फिर लिखा है 0.5 लिखा है इंटू कॉस, कॉस 0 वैल्यू 1 होती है, ये 10^2 से -2 ये कट जाएगा, ये 0.5 बचा तो आंसर आ जाएगा 0.5 वेबर हो जाएगा आपका आंसर। मैं ये आपका 0.5 वेबर हो जाएगा। मैं आपको ये फिर से बता देता हूँ, फाई बराबर एन बी ए होता है, एन बी ए कॉस थीटा, फाई बराबर एन का मान 50, बी का मान कितना दिया आपको, बी का मान आपको दिया 0.5, यहाँ पे ए दिया है 2×10^-2 दिया है, और आपको कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू आपके दिए कॉस 0, थीटा की वैल्यू 0। छेद के यदि लंबवत होती तो हमेशा 0 मान लेते हैं, यदि यदि तल उसका अगर समांतर होता तो कॉस 90 लेते हैं। ध्यान रखिए आप समांतर के लिए 90 लेते हैं, लंबवत के लिए आपका 0 हो जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू आपको पता होगी यहाँ पे 1 होती है आपकी। 50 का गुणा यदि आप 100 में करेंगे तो 100 आएगा, तो ये 100 है, ये 10^-2 ये 0.5 इधर लिख दिया, और आपका ये कॉस 0 वैल्यू 1, ये 2 से 2 ये कट जाएगा, तो 5/0.5 वेबर आ जाएगा आपका। और सबसे बड़ी बात आप ये ध्यान रख लीजिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपका आंसर तो ये आ जाएगा, यदि तल क्षेत्रफल लंबवत है तो थीटा बराबर 0 डिग्री रखेंगे, समांतर के लिए थीटा बराबर 90 रखते हैं, ध्यान रखिएगा, ये अगर पता होगा आपको तो कर लेंगे, लंबवत हो जाएगा। अब आपका आंसर ये 0.5 वेबर हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट दिया गया है, आपका ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्यति धारा मीटर का पैमाना होगा, पहला ऑप्शन दिया रेखिक होगा, दूसरा दिया वर्गाकार होगा, तीसरा दिया चर घातांकी होगा, चौथा दिया आपका लघुगणकी होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्क्वायर, आपका वर्गीय होता ही है, ये प्रत्यति धारा का जो मीटर होता है आपका वर्गीय वर्गाकार होता है। ये आपकी सुपर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। यदि आपको मेरा वीडियो